दोस्तों, क्या हाल चाल है? स्विमिंग पूल में आए हुए हैं क्योंकि मेरी सास का जो है आज 75th जो बर्थडे है। तो हम ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, जो फैमिली के ही हैं, मेरी वाइफ के भाई भुई हैं, उनकी फैमिली है, दो भाई हैं और उनकी फैमिली है, तो ये सब है। तो यहाँ पे ये है कि स्विमिंग के लिए आना जो है यहाँ के जो कल्चर में है। तो यहाँ पे जैसे भी कोई बर्थडे होता है, कुछ होता है, तो यहाँ पे लोग जो है स्विमिंग, या तो वो डे की स्विमिंग होती है तो जो है वो नाइट की स्विमिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो खाना पीना जो है वो सब लोग और जो परिवार, जो भी परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो स्विमिंग, जैसे कोई स्विमिंग पूल है वो बुक करते हैं और उसमें, और तब वो सारे जो हैं खाना पीना जो भी होता है, दारू दूर सब लाते हैं। ये जो है यहाँ पे कुकिंग हो रही है, तो देख लो चिकन, ये बारबेक्यू हो रहा है चिकन, और ये जो है ये क्या बोलते हैं आपका बैंगन है, ये वाला जो है बैंगन है, ये जो ये फिश है और ये बारबेक्यू है। कुक करेंगे पहले इसके साथ डीप पैन, देन इसको बारबेक्यू करेंगे। और ये चिकन स्टिक है, देख रहे हो, चिकन स्टिक है। और तो ये देख लो, ये वाला ये है केकड़े, खाएंगे पीएंगे, होगा फूड। वो जगह देखेंगे कि स्विमिंग पूल है और ऐसे ही छोटे छोटे पूल हैं, इवन कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के वहाँ पे आसपास ही बहुत से स्विमिंग पूल आपको मिलेंगे, जिसमें लोग रेंट पे लेते हैं एक दिन के लिए या रात के लिए। तो इसकी जो कॉस्ट आता है 6-7 हज़ार रुपये में आपको कॉटेज के साथ आपका पूल, और आपको जो भी चारकोल और गैस जो भी है पानी और होता है। तो आप यहाँ पे आपका जो भी सामान है लाइए, कुक कीजिए और अपनी फैमिली के साथ सारे दिन स्विमिंग पूल एंजॉय कीजिए। स्विमिंग जाना यहाँ की एक तरीके का कल्चर है। तो अगर आप किसी फिलिपिनो से शादी करते हैं तो आपको ये चांस बहुत बार मिलेगा, इसलिए बोलते हैं कि मोस्ट फन इन द फिलीपींस। तो आप आइए और यहाँ का जो कल्चर है उसको एंजॉय कीजिए।